हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है। ये 1708 है और ये 2017 का मॉडल है। और हमारे पास ऐसे बोर्ड आया हुआ है और हमने सीधा बोर्ड पकड़ लिया क्योंकि हमें पता है कि हम बना सकते हैं ना। तो अभी हम इसको चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है करके। तो अभी हम एम्पियर मीटर डालेंगे और हमें पता चलेगा कि मैटर क्या है और क्या नहीं है। देखिए, तो ये मैंने एम्पियर मीटर डाल दिया, 5 वोल्ट हो गया है और अभी 11 वोल्ट हुआ, ठीक है, अभी 20 वोल्ट हुआ। बट जो एम्पियर है ना, वो सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑन हो रहा होगा। और इसमें क्या हुआ है, तो किसी ने काम भी किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें ना यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह निकाल रखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो, कैपेसिटर निकाला हुआ है, 2-3 कैपेसिटर निकाले हुए हैं। चलो, वो कोई बात नहीं है, जो निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड किसी ने ख़राब नहीं करा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको वीडियो बनाने के पहले ही थोड़ा बहुत डायग्नोस किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका G3H नहीं बन रहा है ना। तो फिर कोई बात नहीं है, बट हमने डायग्नोस कर रखा है और हमें पता है कि इसका ऑडियो एम्पलीफायर जो है वो ख़राब है। और आपको अगर ये सीखना है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। बाकी आप इस मॉडल में ज़्यादातर देख सकते हो इसका ऑडियो एम्पलीफायर ही ख़राब होता है। तो कोई बात नहीं है, अभी हमारे जो एक टेक्नीशियन है शंकर चौधरी इनका नाम है, और ये इसका ऑडियो एम्पलीफायर चेंज करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और इसका जो ऑडियो एम्पलीफायर IC है वो निकालेंगे। हमारे पास सेम मॉडल नहीं है, इसके लिए हम जो है वो 1707 का ऑडियो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। 3-4 मॉडल जो होते हैं उनके सेम ही होते हैं, ज़्यादातर जो ईयर सेम होते हैं तो ICयां भी सेम ही होती हैं। और इसको हमने निकाल लिया है और अब इस पर दूसरी IC लगाएंगे क्लीन करके। एक्चुअली में हमें कैसे पता चला कि इसका ऑडियो एम्पलीफायर ही शॉर्ट है, उसमें क्या है कि डायग्नोस करना पड़ता है और वो पूरा सब एक्सप्लेन करने के लिए एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो आपको सीखना है तो भी आप आ सकते हो कि कैसे क्या होता है। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम कुछ अपनी मन की बात कर लेते हैं, प्यारी प्यारी मीठी बातें। तो जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर आ गया है, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप और आगे बढ़ें, सभी लोग आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, अभी हमारे चैनल को 1 महीना ही हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है आप लोगों का। तो उस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जो लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो उन लोगों से ये बता दें कि हम लोग और भी आगे वीडियो इससे भी ज़्यादा क्रिएटिव वीडियोस बनाएंगे। तो लाइक मत करो, कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लो तो पता तो चलता रहेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो दूसरा एम्पलीफायर हमने लगा दिया है और अब इसको हमारे कलीग हैं वो इसको असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। और ये पूरा कंप्लीट सारे स्क्रू लगा दिए गए हैं, ठीक है, और ये ऑन हो गया है। अब इसमें कस्टमर ने पासवर्ड दिया है, हम पासवर्ड डाल के इसको ऑन कर रहे हैं। तो अब आप सुनिए गाना।